तो हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ सुपर सस के रैंकिंग मैच के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें मैं हमेशा चक्कर मचाने वाला हूँ तबाही। तो चलिए देखते हैं आज हमें सुपर सस गेम से कौन सा रोल मिलने वाला है और आप सभी को कौन सा रोल का गेम प्ले देखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार मेरे पास ऑप्शन में काफी अच्छे अच्छे रोल्स थे, पर मैं यहाँ पर लेता हूँ स्पाई, क्योंकि आप लोग की काफी डिमांड आ रही थी कि मुझे स्पाई के साथ एक बार और खेलना चाहिए। तो फिर क्या मेरे भाई, आपने बोला मैंने ले लिया। तो यहाँ पर मैं बन चुका हूँ स्पाई, गेम हो चुकी है स्टार्ट। मैं यहाँ पर रेड का कलर लेता हूँ और मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। मेरा पार्टनर साथ डिमेंटर है, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा बच के खेलना पड़ेगा ताकि मैं बाद में अपने पार्टनर को बचा सकूं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जा रहा था लाइट एक की तरफ, और यहाँ पर ऑरेंज मेरे पीछे पीछे आ रहा है। बच्चे को नहीं पता कि वो मरने वाला है, तो मैं यहाँ पर ऑरेंज को किल करता हूँ और चुपचाप यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ। अभी ये ब्लू यहाँ पर कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर मैं फटाफट गेट बंद कर देता हूँ ताकि ब्लू को बॉडी ना मिले, क्योंकि अगर इसको बॉडी मिल गई तो ये समझ जाएगा कि मैं हूँ इम्पोस्टर। तो यहाँ पर मैं फटाफट यहाँ से भागने की प्लानिंग करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मेरा कलेक्टिव हो तो मैं इस ब्लू के बच्चे को सलटा दूँ। अभी ब्लू का बच्चा जा क्यों नहीं रहा, इससे ब्लू को बॉडी मिल चुकी होगी। यहाँ पर ब्लू ने बॉडी को देख ही लिया होगा, बस ये ब्लू का बच्चा डॉक्टर ना वरना मेरी वाट लग जाएगी। यहाँ पर मेरा कलेक्टिव होने वाला है, मैं यहाँ पर अपना ट्रांसफॉर्म करके कलर चेंज करता हूँ। देखता हूँ भाई ब्लू साहब वहाँ पर खड़े, ओके यहाँ पर ब्लू खड़ा है। मैं ब्लू को फटाफट यहाँ पर किल करता हूँ और चला जाता हूँ इलेक्ट्रिकल के अंदर, और मैं इलेक्ट्रिकल का गेट बंद कर देता हूँ ताकि किसी को मुझ पर शक भी ना हो। और मैं इलेक्ट्रिकल के अंदर बिंदास अपना कलर चेंज कर लेता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता। ओके यहाँ पर पिंक ने मीटिंग बुला ली है, चलो फिर देखते हैं पिंक यहाँ पर मीटिंग में क्या बोलता है। क्या बात है यार, चार किलो गए, बहुत अच्छे। यहाँ पर पिंक तो मेरा पार्टनर है, तो देखो मीटिंग में क्या होता है। तो देखो यार, फिलहाल यहाँ पर मेरा जो पार्टनर पिंक है वो यहाँ पर माइक पर कुछ भी नहीं बोलता, वो बस मीटिंग बुला करके जोकर वाली हरकतें स्टार्ट कर देता है, जिससे सभी बंदे को लगे कि वो पिंक जोकर है और कोई बंदा पिंक पर शक भी ना करे, क्योंकि इस बार गेम में डॉक्टर भी है ना। देखो भाई मैं हूँ बेटर बोल रहा हूँ, मैं हूँ प्लम्बर, मेरे पास मेडवे स्कैन भी है और मेरे पास गिमिक है डबल बटन, ठीक है। मेरे पास गिमिक है डबल बटन, वाइट भी सेफ है क्योंकि वाइट मेरे साथ था और इसने वेंट किया। शायद ये इंजीनियर हो सकता है या तो फिर ये जोकर होगा, मुझे नहीं पता। वाइट इंजीनियर या जोकर कुछ भी हो, लेकिन अब सियान को निकालो, ठीक है। सियान को निकालो, इंजीनियर मार्क कर लो और सियान को निकालो। येलो तो मेरे साथ ही था, मैंने येलो को किल किया और येलो ने भी किल किया, तो हम दोनों सेफ है, ठीक है। और ब्राउन भाई को मुझे आई हूं, भाई हो क्या भाई यूट्यूबर? गाइज मैं तुम्हारा वेटरन हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा वेटरन हूँ। और वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम लोग सियान को निकाल क्यों रहे हो? मतलब कोई रीज़न है या फिर सियान को भी मतलब का निकाल रहे हो? अरे भी मतलब का निकाल रहे हो तो सियान को मत निकालो ना, क्यों भी मतलब का निकाल रहे हो? कोई रीज़न है भाई सियान को निकालने का कि बस ऐसे ही आज मन कर रहा है कि चलो निकालते हैं इसको? अबे ये बताओ भाई सियान को निकाल क्यों रहे हो? मैं तो कह रहा अगर रीज़न नहीं है तो बेफालतू का सियान को मत निकालो, अभी स्किप कर दो, ठीक है। अभी जोकर होगा भाई, रोल नहीं बोला तो जोकर वाली हरकत कर रहा है। मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया है तुम्हारे सामने? क्या किया मैं तुम्हारे सामने? वेंट किया है, किसी को मारा है, या तो गेम में जितने दो ग्लूटोनी है तो मैंने किसी को खाया है तुम्हारे सामने, इमोट करा है तुम्हारे सामने, ये बताओ पहले मुझे। अरे भाई तुम्हारे साथ में नहीं था तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि भाई जब भी दो गेम से भाई लगातार पहले नंबर पर मरा हूँ, इसलिए मैं चुप कर बैठा था भाई। अभी इतने सारे बंदे के लोग हैं तो फिर मुझे मेरे ऊपर नाम लगाए जा रहे हैं भाई। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुनूबे क्या तुनूबे बिंक तुनूबे मीटिंग का है बुलाई, मैं देख रहा था मेरे को चार चार एरो आए थे, मैं डॉक्टर हूँ, चार चार एरो आए थे, मैं बॉडी ढूंढ रहा था। अच्छा नेविगेशन साइट से एरो आया था, नेविगेशन में कोई बॉडी नहीं थी, मैं इधर आया लास्ट में एडमिन में थी बॉडी, ने बॉडी रिपोर्ट कर दी। भाई सियान को मत निकालो, सियान सेफ लग रहा है। Okay. तो देखो यहाँ पर येलो बताता है कि येलो है हमारा प्लम्बर, येलो के पास मेडवे स्कैन भी है और येलो और व्हाइट साथ में थे, इसका मतलब वो दोनों सेफ प्लेयर है। और यहाँ पर वो दोनों बोलते हैं कि भाई सबसे पहले सियान को वोट करके निकाल दो, पर मैं बोलता हूँ भाई सियान को वोट बिल्कुल मत करो। और रेड मेरा साथ देता है, रेड भी बोलता है कि सारे बंदे स्किप करो क्योंकि सियान हमें सेफ लग रहा है। और यहाँ पर मैं सियान को वोट करने के लिए सबको इसलिए मना करता हूँ क्योंकि मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, पता है। हाँ तुम लोगों ने सही समझा, मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का यहाँ पर। जोकर अगर 1% भी चांसेस है जोकर के निकलने के, तो भाई क्यों ही रिस्क लेने का, यहाँ पर मैं आराम से स्पाई हूँ, मैं आराम से चुन चुन के एक एक करके सबको आराम से किल करूंगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर बैटिंग हो चुकी है, स्किप गेम हो चुकी है फिर से स्टार्ट। मैं यहाँ पर रेड का सैंपल फिर से ले लेता हूँ और मैं कैफे का गेट बंद कर देता हूँ। और आप सारे काम करो, आप सारे लोग कमेंट में जाओ और मुझे बताओ कि सियान का रोल क्या है। आप लोगों ने सबकी आवाज सुनी है, देखते हैं आप में से कितने बंदे सियान का सही रोल बता पाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सियान मेरा पीछा पता नहीं क्यों कर रहा है, मैं यहाँ पर सियान से दूर जाने की कोशिश करता हूँ। व्हाइट यहाँ पर
कमेंट करता है राइट साइड से हमारा इंजीनियर होगा। जैसे कि मीटिंग में बात चल रही थी, मैं यहाँ पर जाता हूँ इलेक्ट्रिकल पे, क्योंकि लाइटें ठीक करने के लिए यहाँ पर बंदे आएंगे यार, तो इसीलिए मैं लाइटें गैप करके यहाँ पर वेट करता हूँ कि बंदों के आने का। ओके येलो यहाँ पर आ चुका है, मैं यहाँ पर रेड का कलर लेता हूँ, येलो की खोपड़ी चुपचाप यहाँ पर मैं खोल देता हूँ और चुपचाप यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ, क्योंकि स्पाई तो वेंट कर नहीं सकता ना। ओके यहाँ पर सियान आता है, सियान मुझे देख लेता है, पर सियान को क्या पता उसने रेड को भागते हुए देखा था, पर रेड नहीं रियल इंपोस्टर तो ब्राउन था ना। ओके यहाँ पर मैं वेट करता हूँ, अभी ये सियान यहाँ पर कहाँ से भाग रहा है? अबे भाई साहब सियान बॉडी देकर के तो चुपचाप वहां से कल्टी मार ली, सियान का बच्चा है क्या? मतलब मैं बार बार बच गया सियान से यहाँ पे। ओके यहाँ पर रेड डॉक्टर साहब बॉडी लेके जा रहे होते हैं, मैं रेड को कलर चेंज करके दिखाता हूँ कि रेड मेरे भाई मैं हूँ तेरा इंपोस्टर। वैसे सच बोलूं तो मुझसे गलती से ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्म क्लिक हो गया यार। यहाँ पर मैं रेड के पास जाता हूँ, रेड की खोपड़ी खोल देता हूँ और चुपचाप ऐसे कल्टी मार लेता हूँ। मतलब यार ये रेड चाहता तो बॉडी रिपोर्ट करके मुझे मीटिंग में निकलवा सकता था, पर इस नोबड़े ने पता नहीं क्यों बॉडी रिपोर्ट नहीं करी। हो सकता है लाइटें गायब होने की वजह से उसे मैं दिखा नहीं होगा, पर यार मेरे हिसाब से तो ये नूबी था। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो तो आप चुपचाप बॉडी रिपोर्ट करके, भले आप डॉक्टर आप बॉडी रिपोर्ट करके इंपोस्टर को निकलवा दीजिएगा। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, वरना आपके साथ भी रेड वाला हाल हो सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पर रेड को ट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, और मैं यहाँ पर एक बात सोच रहा हूँ कि मेरा जो पार्टनर है वो कुछ किल विल नहीं कर रहा, क्या सारे किल मैं ही कर रहा हूँ क्या? वो ऑफलाइन हो गया क्या भाई? क्योंकि अगर मेरे पार्टनर ने एक दो किल किए होते तो यहाँ पर गेम खत्म हो जाती, पर मेरा पार्टनर का बच्चा पता नहीं कहाँ पे घूम रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं बॉडी के ऊपर खड़ा रहता हूँ और मैं वेट करता हूँ कि कोई बंदा आए, क्योंकि यहाँ पर ओके यहाँ पर सियान आता है, मैं सियान को किल करता हूँ। अभी ये क्या, सियान के पेट से मेरा पार्टनर पिंग बाहर आ गया, क्या कमाल की बात है। मतलब ये सियान का बच्चा ग्लूटोन ही था, ये मेरे पीछे इसलिए घूम रहा था ताकि ये मुझे खा सके, और इलेक्ट्रिकल में भी मैं इससे बार बार बच गया यार, वरना ये भी मुझे मेरे पार्टनर की तरह खा जाता। तो इसी के साथ हमारा स्पाई का गेम प्ले हो चुका है सक्सेसफुल, और हमें मिल चुकी है जीत और साथ में MVP जिसका सभी को इंतजार रहता है। तो इसी के साथ हमारी आज की गेम प्ले हो चुकी है खत्म, हमें मिल चुकी है जीत। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक। तब तक हम आपसे मिलेंगे सुपर सस के रैंकिंग मैच के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त, और चलिए थोड़े से रोल्स चेक कर लेते हैं। ओके यहाँ पर व्हाइट था हमारा जोकर, जो यहाँ पर मीटिंग में बोल रहा था कि वो इंजीनियर है, और हम सबको लग रहा था कि व्हाइट इंजीनियर है, पर वो तो रियल का जोकर निकला। और रियल इंजीनियर तो हमारा ग्रीन था, जिसको शायद हमने स्टार्टिंग में ही किल कर दिया था और व्हाइट ने उसका रोल चुरा लिया था इसका मतलब। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है तो जाने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग।